नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने एक कथावाचक के रूप में नहीं आया हूँ। ये मान के चलो कि बिरखड़ी, मिसामारी, बरेली, श्रीनगर, बबीना, बनबसा की क्लास है। हाँ, कुछ लोग हमारे मित्र हैं जो जिन्होंने क्लास नहीं देखी होगी और बाद विद्यार्थियों के साथ बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। 5 सप्ताह हो गए रिद्धि सिद्धि प्रवाह के और आपको बड़ा सहयोग मिला। आज मैं एक निवेदन करने जा रहा हूँ। मैंने कह दिया आज कोई कथा नहीं है, आपको निरस्ता नहीं होगी। मैं आज आपको कुछ गुदगुदाने आया हूँ, आपको थोड़ा मनोरंजन करने आया हूँ, क्योंकि मुझे कई विद्यार्थियों ने फ़ोन किया और ये कहा, सर कभी कभी क्लास में जब हम नीरस हो जाया करते थे तब आप बीच बीच में जो हंसी की कविताएं सुना देते थे, अगर कुछ सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। साथियों, रिद्धि सिद्धि प्रवाह में आप बड़ा सहयोग कर रहे हैं। एक निवेदन करना चाहता हूँ, पहले हटिएगा नहीं जब तक मैं आपसे ये न कहूँ आज की कथा को या आज की कविता को मैं विराम दे रहा हूँ। आज पूरी बात सुनिएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 3-4 कविताएँ छोटी छोटी सुनाऊँगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे पास कई ऐसे लोगों ने भी लिखकर भेजा है फेसबुक पर कि सर जब आपका कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे सूचना नहीं मिल पाती है। इसका मतलब ये है कि सब्सक्राइब करने के बाद आपने उस बटन को नहीं दबाया है जिससे आपको सूचना मिल जाए। भविष्य में आपने दबाइएगा, नहीं तो पता लगा आपका सब्सक्राइब भी कैंसिल हो सकता है, ऐसा मुझे पता लगा। ऐसी स्थिति में आप एक काम करें कि अब जो लोग सब्सक्राइब करें वो उसके तत्काल बाद उस स्विच को, बटन को दबाएंगे ताकि उनको हमारे हर कार्यक्रम की सूचना मिल जाए। मित्रों, हास्य की बात करना चाहता हूँ। आदमी जब परेशान हो जाता है तब हास्य में थोड़ा सा उसका मनोविनोद हो जाता है। मैंने कुछ कविताएं बचपन में याद कर रखी थी, वो सारी कविताएं मेरी नहीं हैं, कुछ मेरी हैं, कुछ मैंने याद की थी लोगों की वो हैं, कुछ ऐसा हुआ याद कम रहीं, कुछ पंक्तियां मैंने जोड़ दी, मिली जुली कविताएं हैं, किंतु आपका मनोरंजन होगा ये मुझे उम्मीद है। पहली कविता मुझे अच्छी तरीके से याद है, क्रिकेट मैच हो रहा था और भारत हार गया था, उस समय रमई काका ने लिखी थी। कविता में हास्य के साथ व्यंग होना चाहिए। लीजिए सुनिए पहली कविता। जिस समय हम मैच हार जाते हैं, रमई काका की कविता थी, हम हैं अहिंसावादी धीरे गेंद फेंकते हैं, हम हैं अहिंसावादी धीरे गेंद फेंकते हैं, जोर गेंद फेंकना तो हिंसा की प्रणाली है। सेंचुरी बनाते नहीं, अरे सेंचुरी मनाते हम, अतिथि जीत लें ये नीति अपना ली है, अरे गेंद कौन सोने का, जो दौड़ के कैच करें दौड़े बिना चोट अपनी बचा ली है। हम हैं बल्लेबाज, हम चौका लगाते नहीं, अरे चौका तो रसोई में लगाती घरवाली है। ये कविता क्रिकेट मैच के हारने पर थी। एक कविता सुनते सुनते हैं, काका बैसवारी की है। बहुत दिनन बाद मेला कुंभ क्यार परा, कुंभ का मेला 12 वर्ष में पड़ता है। बहुत दिनन बाद मेला कुंभ क्यार परा, नाती लेहे साथ बूढ़ा निकनी सफर का। कोई वृद्ध महिला अपने नाती को लेकर जाती है। बहुत दिनन बाद मेला कुंभ क्यार परा, नाती लेहे साथ बूढ़ा निकनी सफर का। हुई गए भारी भीड़ मौनी पर्व माही त्रिवेणी तट, त्रिवेणी यमुना जी, गंगा जी, जमुना सरस्वती। बहुत दिनन बाद मेला कुंभ क्यार परा, नाती लेहे साथ बूढ़ा निकनी सफर का। हुई गए भारी भीड़ मौनी पर्व माही त्रिवेणी तट, लाग इस धक्का बूढ़ा चली गई तरका। रोए रोए ढूंढ ढूंढ नाती लौटी आवा घरे, अरे क्रिया करम्मा बुलायस गांव भर का। गए है तकदीर फूटी ब्राह्मणन केरी, जब तेरही के दिना बूढ़ा लौटी आई घर का। एक एक कविता और देते हैं, ध्यान दें। एक महिला एक दुकान जाती है जिसने 2 दिन पहले अपना चश्मा बनवाया है और आज चश्मा वापस कर रही है। वापस करने का कारण देखें आप। चश्मा वापस कर रही ले लो ऐनक साज, चश्मा वापस कर रही ले लो ऐनक साज, इस चश्मे की वजह से बिगड़ रहा सब काज, बिगड़ रहा सब काज, रंग बदरंग हो रहा, इस चश्मे के कारण पतिव्रत भंग हो रहा। वो चौंक गया दुकानदार,
इस चश्मे के कारण पतिव्रत भंग हो रहा क्यों? अरे कहता है, वो कहती है, इस चश्मे के लेंस बुराई ये करते हैं, मेरे पति हैं एक दिखाई दो पड़ते हैं। एक उस समय की कविता है, परिवार नियोजन चल रहा था, बच्चे बढ़ रहे थे। कविता देखें, आज मगन मन फूली फूली फिरती थी घरवाली, आज मगन मन फूली फूली फिरती थी घरवाली, उसकी नई सहेली कोई थी घर पर आने वाली अपने 10 बच्चों के संग। ध्यान दीजिएगा, अपने 10 बच्चों के संग नई सहेली घर आई, बच्चों की जब संख्या देखी मुझ पर जूड़ी चढ़ाई। मैंने कहा, बहन जी ये तो आफत सर पर आई है, चीनी पर कंट्रोल लगा है, बढ़ी हुई महंगाई है। मैं उसको सलाह देने लगा, अरे मेरी सीख मानिएगा, अब कहीं निकलिएगा बाहर, अपने आधे बच्चों को छोड़ आइएगा घर पर। वो बोली मैं मूर्ख नहीं, अरे विदुषी हूँ, सिखी सिखाई हूँ, पहले ही आधे बच्चों को घर छोड़ यहाँ पर आई हूँ। कैसा लगा? आज ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा, आज यहीं तक हैं, ठीक है। शुभरात्रि, बढ़िया ढंग से रहें, और एक बार फिर सब्सक्राइब करें, करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि।